जनपद मुजफ्फरनगर के लिए थाना नई मंडी तथा कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में से नकली अवैध तरीके से तैयार किए जा रहे उर्वरक तथा आटा बनाने वाले व और वह गैंग के लिए वह 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम और पता नवीन जैन पुत्र वैश्वचंद जैन निवासी व प्रेमपुरी और वह थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर और वह सनी पुत्र मदन लाल निवासी पटेल नगर थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर रोहित पुत्र रामपाल सैनी निवासी तुलसी नगर कुकड़ा थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर रमेश पुत्र रघुवीर निवासी व बचन सिंह कॉलोनी तरह में से नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर परवींद्र पुत्र व ओम प्रकाश निवासी अवध्य विहार थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर विशाल पुत्र विक्रम सिंह निवासी व लांसपुर और थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर खास मोहम्मद व आशु पुत्र व अख्तरी निवासी मोहल्ला महमूद नगर थाना सिविल लाइन जनपद उसको पैक कर देते हैं नकली कट्टे मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का कट्टा इन्होंने लिया उसके अंदर उसको पैक किया इनके पास मशीन है जिससे ये उसको सील पैक कर देते हैं और उससे फिर ये लगता है कि ओरिजिनल है मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको सामने सामने देख के ये कह पाओ कि ये फेक है। तो अब जैसे इसमें जब पहले जो वो फैक्ट्री पकड़ी गई जहाँ पर नकली खाद बनाया जाता है वहाँ से 5 लोग गिरफ्तार हुए उनसे एक मिक्सचर मशीन बरामद हुई जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर बता रहा हूँ मैं जिसमें सारा सामान डाल के ये मिक्स करते हैं वेइंग मशीन बरामद हुई जिसमें वेट करते हैं सिलाई मशीन जिससे कट्टों की सिलाई करते थे उसके अलावा 150 खाली अदद बोरे इफको के डैप 18 के 46 के उर्वरक फर्टिलाइजर के जियाडन वाला है या आटे वाला है शक्ति भोग है कोई भी है भाग्यरथी है कोई भी है इनसे इसका कोई लेना देना है नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं कोई अग्रीमेंट है नहीं। तो अगर ये कट्टे यहाँ मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि जनपद में अवैध रूप से एडल्ट्रेटेड फॉर्म में ये सारी चीज़ें बन रही है तो जो कि हमारी विवेचना का पार्ट है आगे इन सब चीज़ों को भी चेक किया जाएगा जितने प्रकार क्योंकि सारे कट्टे इलीगली बनाए जा रहे हैं फेक कट्टे हैं कंपनी से कोई लेना देना नहीं है ना कंपनी वाले बना रहे हैं ना कंपनी से इनका कोई टाई अप है ना ये अग्रीमेंट में है कि भाई कंपनी को बना के सप्लाई करेंगे तो यानी ये है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए